सो गाइस, तो आज हम बताने वाले हैं कि दिल्ली टू बागडोगरा जाने वाली उन फ्लाइट के बारे में, जो कि कितने बजे है और कितने बजे हमको फ्लाइट एयरपोर्ट पहुंचना है और कितने बजे हमको पहुंचाएगा, क्या प्राइस है, सारा कुछ डिटेल्स में इस वीडियो के अंदर होने वाला है। तो वीडियो में अंत तक बने रहे। तो चलिएगा, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम गवाए हुए। सो है गाइस, मेरा नाम है राजीव राही, स्वागत है आप सभी को टेक्निकल किशनगंज यूट्यूब चैनल पर। तो गाइस, आज मैं बात करने वाला हूँ कि दिल्ली टू बागडोगरा जाने वाली उन फ्लाइट के बारे में, जो कि कितने बजे मुझे दिल्ली में मिलेगा और कितने बजे हमको बागडोगरा में उतारेगा। तो सारा कुछ कंप्लीट इस वीडियो के अंदर होने वाला है, तो वीडियो में अंत तक बने रहे, कंटिन्यू वीडियो को जरा सा भी स्किप ना करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि प्लीज़ अभी तक टेक्निकल किशनगंज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार जल्दी से कर लीजिए बिल्कुल फ्री में, और बेल आइकन कॉल पर प्रेस कर दिया ताकि जब भी मेरा कोई न्यू वीडियो अपलोड होगा तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगा और आप देख पाएंगे। तो चलेगा, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और गाइस, मैं आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप लोग कहाँ से कहाँ जाना चाहते हैं और उस चीज़ के लिए जानकारी चाहिए तो इस वीडियो के नीचे कमेंट जरूर करें। सो गाइस, तो रोज़ जो है आप लोगों को दिल्ली टू बागडोगरा के लिए काफ़ी सारा फ्लाइट मिल जाएंगे, बट आपको चॉइस करना है कि आपको कितने बजे जाना है। जस्ट जितने बजे का आप लोगों का फ्लाइट होगा, फ्लाइट के टाइम से 2 घंटे या 2.5 घंटे पहले आपको एयरपोर्ट पहुंच जाना है, तभी जाके आपका सारा कुछ चेकअप होगा, उसके बाद ही आप फ्लाइट पे ट्रैवल कर सकते हैं। तो चलिए मैं आप लोगों को बताता हूँ कि कितने बजे आपको दिल्ली में बैठने से कितने बजे आपको बागडोगरा छोड़ देगा ये फ़्लाइट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं काफ़ी सारा फ्लाइट है यहाँ पर, 2 घंटा ज़्यादा से ज़्यादा 2 घंटे का समय है या फिर 1 घंटा 1 घंटा 30 मिनट। तो दोस्तों, नॉन स्टॉप वाला फ़्लाइट पकड़ते हैं तो 2 घंटा 10 मिनट में पहुंच जाएंगे या फिर 2 घंटे में उतार देगा या फिर 2.5 घंटा लग सकता है। और गाइस, एक स्टॉप या 2 स्टॉप वाला फ़्लाइट का टिकट बुक करते हैं तो आपको 3 से 4 घंटा भी लगा सकता है या फिर 8 से 10 घंटा भी लगा सकता है। तो मैं सजेस्ट करूँगा आप लोगों से कि आप नॉन स्टॉप भी फ़्लाइट का टिकट बुक करें ताकि आप जल्द से जल्द दिल्ली टू बागडोगरा आसानी से पहुंच जाए बिना टाइम गवाए हुए। सो गाइस, तो बात करते हैं कि कौन कौन सा फ़्लाइट सही है, कौन कौन सी फ़्लाइट का टिकट हम लोगों को बनाना चाहिए। तो सबसे पहले तो मैं सजेस्ट करूंगा कि एयर इंडिया, जो कि काफ़ी बेहतरीन है, और एक इंडिगो, ये भी काफ़ी अच्छा है। मैं 2 फ्लाइट की खूब ज़्यादा सजेस्ट करता हूँ। वैसे तो बहुत सारा फ्लाइट है, एयर एशिया, इंडिया, गो फास्टर, स्पेस जेट, LTD, वेटक्रमा, तो काफ़ी सारा फ्लाइट है, आप किसी का भी बुक कर सकते हैं। वैसे तो मुझे काफ़ी बेहतर लगता है इंडिगो। और गाइस, बात करें टिकट की प्राइस की तो ये है 6790 रुपये से स्टार्ट है, 6990 या फिर 7379 या फिर 6988, इसी तरीके का प्राइस में आपको मिल जाएगा। और गाइस, मैं बता दूं कि 1 से 2 दिन पहले आप बुक करते हैं तो काफ़ी कम प्राइस में आपका टिकट बुक हो जाएगा, या फिर तत्काल में बुकिंग करना चाहते हो तो काफ़ी ज़्यादा प्राइस लग सकता है। जैसे कि आप लोग ऊपर देख पा रहे हैं, यहाँ पर मैक्सिमम और मिनिमम में आपको 6988 रुपये पड़ेंगे और मैक्सिमम में 22139 रुपये भी पड़ सकता है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें एंड चैनल में पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन कॉल पर प्रेस कर देना ताकि जब भी मेरा कोई न्यू वीडियो अपलोड होगा तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच पाएगा और आप देख पाएंगे। तो चले गए, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले एक न्यू वीडियो के साथ, जब तक के लिए जय हिंद।